मुख पाप हते और बोलते नर्मदा बह रहे हैं और शंकर जी के पाप का पैदाइश बोलो कैसे भाई। मैंने शंकर भगवान के पिता का नाम तो बताया था और सारे नदियां उनको पूरब को बह रही हैं, लेकिन नर्मदा मैया को पता नहीं क्या हो गया, नर्मदा जी उल्टा बह रही, उल्टा। ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, लेकिन सबसे पहले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं रावण की बिटिया या सीता कैसे हो गए। माता बहनों, रावण जो था, ये रावण पूरे दुनिया में लगान वसूली करता था, लगान। और आजकल भी लगान वसूली हो रहे हैं। जिनके पहले ज्यादा शायद खेत थे, खेती, उसको लगान देना पड़ती थी, लगान। तो रावण पूरी दुनिया में लगान लेता है और जिसके पास लगान नहीं मिलता है, रावण उसका खून लेता है। क्या महात्माओं के पास में गया रावण, बोला लगान दो। संत महात्मा बोले महाराज मेरे पास लगान नहीं है। रावण बोला क्या लगान नहीं है लगा। संत महात्माओं से बोला अपना खून हमको दीजिए। बिटिया मेरे भाइयों, रावण को संत महात्माओं ने अपना खून दे दिया, लेकिन संत महात्मा रावण को श्राप दे दिया, ये रावण जब मैं तुझे श्राप देता हूं जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा और भर के खुल जाएगा उस दिन तेरी मृत्यु आ जाएगी। रावण को बंदो ये श्राप लग गया, लेता रहा घड़ा भर गया खून से, घर में बंदो अपनी लंका में रख दिया। लेकिन समय गुजरता रहा रावण अय्यासी नंबर वन, अय्यासी रावण बहुत करता था, कहा है
आधी जनकपुरी है नेपाल, अब आधी जनकपुरी आ गई बिहार। कहा ये जनकपुरी बिहार में पड़ती है भैया, जहाँ राजा जनक का होता। तो भैया मंदोदरी बंदो जनकपुरी बिहार साइड में आई मंदोदरी, और कोई मटकी बंदो साथ में ले आई। बंदो पहले के जमाने में ऐसी जड़ी बूटी थी, मंदोदरी ने उस जड़ी बूटी को खाया है और हाथ में बंदो गर्भपात हो गया। उसी बंदो मटकी में बंद कर दिया और जमीन में गाड़ दिया। अच्छा, राजा जनक के यहाँ घटना हो गई। घटना क्या हुई? राजा जनक के यहाँ 12 साल का भैया सूखा पड़ गया। 12 साल का भगवान शंकर जी के भक्त थे राजा जनक, चेला थे। राजा जनक बहुत दुखी हो गए, बोले हे प्रभु, हे शंकर भगवान, हे गुरु जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे 12 साल का सूखा पड़ा है और पानी बरसे। भगवान शंकर जी बंधो ध्यान में बैठे थे। राजा जनक बंधो एकदम लेट गए हैं और सोते समय भैया सपना देखा है। क्या सपना देखा है? राजा जनक बोले हे प्रभु, हे भोले बाबा, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे पानी बरसे।